हेलो गाइस, जरफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। उड़ती उड़ती मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है जो यूएसए और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल है, ये एक्चुअली यूएसए और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल नहीं होगा और यहाँ से जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा और ICC जो है वो सोच रहा है कि इंग्लैंड में इसको खिलाया जाए। जून के महीने में ये T20 वर्ल्ड कप जो है वो शेड्यूल है, इसके जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो जून में होंगी। लेकिन आखिर वजह क्या है, जो वजह बताई जा रही है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन साथ ही में जो एक हैरानकुन बात है यूएसए के हवाले से, यूएसए की क्रिकेट के हवाले से, यूएसए के जो क्रिकेट बोर्ड है उसके जो प्लान्स हैं उसके हवाले से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि कैसे वो अपने आइंदा कुछ साल जो वो प्लान कर रहे हैं। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, खबरें जो है वो बताई जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स की जानिब से कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्रिकेट स्टेडियम्स है यूएसए में, वो उस तरह से नहीं बन पा रहे या उस तरह से उनकी जो कंस्ट्रक्शन की जो तेजी है, जो जीवन के जो करंट भी क्रिकेट स्टेडियम्स हैं यूएसए में, वो उस लेवल के नहीं है जो एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट को जो मीट करे, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट को जो होस्ट कर सके। इस तरह के स्टेडियम्स अभी तक यूएसए में नहीं है और ये बहुत ही एक अजीब सी बात है, क्योंकि आपको मैं ये बताता चलूँ कि 3 से 4 साल पहले यूएसए क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला किया था और वो प्लान अभी भी उनका एग्जीक्यूट हो रहा है और आइंदा कुछ सालों में उसकी जो एग्जीक्यूशन है, उसके जो कहते हैं ना फ्रूट आना और फल जो है उसका आना हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। वो बात यह है कि माइनर और मेजर क्रिकेट लीग यूएसए ने शुरू की थी चंद साल पहले और उसके लिए उसने बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान से कुछ खिलाड़ियों को यूएसए में दावत दी थी कि आप आए हमारे मुल्क में आकर खेलें और यहाँ जो है वो क्रिकेट खेलें, आपको पैसा भी हम लोग देंगे और आपको रिहाइश भी देंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो है वो हम लोग यहाँ फैसिलिटीज रखेंगे। और बहुत से खिलाड़ियों ने, स्पेशली पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ियों ने, चूंकि डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था और जो मौके थे बहुत कम हो गए थे क्रिकेटर्स के लिए, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सवालात उठना शुरू हो गए थे कि कैसे फाइनेंशियली सिक्योर होगा क्रिकेटर, कैसे अपना फाइनेंशियल जो फ्यूचर है वो कैसे सिक्योर करेगा। लेकिन यूएसए ने उसका हल निकाला और उसको देखा देखी काफ़ी पाकिस्तान के और इंडियंस और बंगाली और श्रीलंकन क्रिकेटर्स जो हैं वो काफ़ी उन्होंने यूएसए का रुख किया और मेजर और माइनर क्रिकेट लीग उन्होंने खेलना शुरू किया। 3 से 4 साल इस बात को हो गए हैं जिसमें समी असलम, हमाद अजहर, साद अली और उनादकत इंडिया के खिलाड़ी हैं वो भी इस मेजर लीग में गए। माइनर लीग जो थी इनकी दोनों जो है वो लीग्स हैं, माइनर छोटी लीग है, मेजर जो है वो बड़ी लीग है। और उसका जो मकसद है वो क्या था, उसका मकसद ये था कि जो यूएसए की टीम है, चूंकि यूएसए में इतना टैलेंट नहीं है, वहाँ बेसबॉल ज़्यादा खेली जाती है, सॉकर ज़्यादा खेली जाती है, क्रिकेट का इतना रिवाज नहीं है, तो यूएसए क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि हम लोग बाकी मुल्कों से जो है खिलाड़ियों को लाएंगे और फिर उनको यहाँ मौके देंगे, उनको जो है वो प्रॉपरली डॉलर्स जो है वो फराहम करेंगे, फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो यहाँ सेटल हो जाएँ और फिर वो यूएसए के लिए जो एलिजिबल हो जाए, कुछ सालों बाद वो यूएसए के लिए जो है वो क्रिकेट खेलें और इंटरनेशनल सर्किट में यूएसए को बेहतर से बेहतर टीम बनाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। इसी के हवाले से जो है वो उन्होंने क्रिकेटर्स को जो है वो अपनी दावत देना शुरू होगी और सिलसिला जो है वो जारी रहेगा जब तक यूएसए अपनी प्रॉपरली एक टीम नहीं बना लेता, जो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की जिसको हम टीम कह सकें। वैसे वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है यूएसए ने और अभी T20 वर्ल्ड कप के अगर होस्ट है तो फिर वो खेलेंगे भी इस वर्ल्ड कप को। लेकिन बात वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतने ज़्यादा पैसे जहाँ वो माइनर और मेजर लीग में लगा रहे हैं, बाहर के मुल्कों के जो है वो खिलाड़ियों को, जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनको ला रहे हैं और उनको पैसा दे रहे हैं, उनको सेटल कर रहे हैं, प्रॉपरली उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसा नहीं लगा रहे, ये बहुत ही हैरत सी बात है। क्योंकि जब आप अपनी अपने मुल्क में किसी भी गेम को अगर आपने प्रॉस्पर करना हो तो उसके लिए आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना बहुत लाजिम होता है। और पहली बात यूएसए को ये करनी चाहिए थी कि वो अपना जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, जो स्टेडियम्स हैं, जो फैसिलिटीज हैं वहाँ, उनको प्रॉपरली करें, वहाँ कोचिंग जो है वो लाएं और ग्रास रूट से क्रिकेट को प्रमोट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो है वो एक शॉर्टकट जो है वो ढूंढा और क्रिकेट स्टेडियम्स में पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय उन्होंने जो खिलाड़ी हैं उनको बुलाया है मुख्तलिफ मुल्कों से और उन पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है। और इंग्लैंड में अगर वर्ल्ड कप होता है तो इंग्लैंड में तकरीबन बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं लोग के बारिश बहुत ज़्यादा होती है जून के मौसम में, लेकिन जून के मौसम में तकरीबन पूरे महीने में 8 से 9 दिन जो है वो बारिश होती है, वो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मली एक अच्छा ही जो है वो मौसम होगा। फिर T20 का फॉर्मेट जो है उस पर बारिश इतना ज़्यादा रोल नहीं अदा करती क्योंकि मौसम जो है वो आगे पीछे कुछ ना कुछ करके जो है वो अकोमोडेट हो जाता है
क्योंकि गेम जो अभी छोटी होती है, लंबी गेम ये होती नहीं है। खैर अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, वीडियोज आपको कैसी लग रही है रोज जो मैं ला रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अरफा फिर जकी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरफा अल्लाह हाफिज।